पृथ्वी पर भगवान बुद्ध की पावन जन्मभूमि और 50 किलोमीटर की दूरी पर उनकी पावन महानिर्वाण स्थली कुशीनगर है। गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर संत कबीर की महापरिनिर्वाण स्थली मगहर है, तो 150 किलोमीटर की दूरी पर प्रभु श्री रामलला की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम भी आता है। 200 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से बाबा विश्वनाथ का धाम काशी की पावन नगरी आती है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही विख्यात रहा है और आज भारत की माननीय और यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इनकम टैक्स के इस मुख्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में गोरखपुर में आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देश के विकास की धुरी हमारा वित्त मंत्रालय होता है और इससे पहले जब रक्षा मंत्री के रूप में वे देश की रक्षा मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो देश के अंदर दो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा हुई थी और उस समय उन्होंने एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को दिया था। उन्हीं के सुझाव पर मैंने अपना प्रस्ताव भेजा था जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और अंततः उत्तर प्रदेश के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहे हैं, जिनमें काफ़ी बड़ा निवेश भी आया है और भारत की सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है। लगभग 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस हाईवे के लिए जब जीएसटी काउंसिल की बैठक में आप लखनऊ में पधारी थी तो उस समय आपने बैंकों को इसके लिए तैयार किया था कि वे इसके लिए फाइनेंस करें और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ अगले वर्ष आने जा रहा है, उससे पूर्व हमारा प्रयास है कि हम गंगा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर सकें। प्रदेश और देश के विकास के लिए आपकी एक सकारात्मक दृष्टि अभिनंदनीय है और मैं इस अवसर पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं भारत आज दुनिया के अंदर एक बहुत तेजी के साथ उभरती हुई एक नई अर्थव्यवस्था है और किसी देश के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि जब आप अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो तब उस देश को इस मामले में पीछे धकेल रहा है जिस देश ने लगभग 200 वर्षों तक उस पर शासन किया हो। ब्रिटेन 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तब ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश के अंदर इनकम टैक्स के द्वारा अपने टैक्सपेयर के लिए जो 7 हब निर्मित किए जा रहे हैं उनमें से एक गोरखपुर भी बनाया जा रहा है, जिसमें इनकम टैक्स के जो टैक्सपेयर हैं, जो आयकर दाता हैं, उनकी काउंसिलिंग के लिए, उनकी किसी भी प्रकार की असुविधा को दूर करने के लिए मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय वित्त मंत्री जी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ देश की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने
अपनी जीडीपी को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है, तो प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज देश का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अंदर बैंकों ने भी, अगर हम रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को ही देखें, तो यहां पर होने वाले निवेश में सर्वाधिक बैंकों का जो योगदान मिला है वह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं कि बिजनेस बढ़ रहा है। एक सीडी रेशो, जब हम लोग आए थे तब उत्तर प्रदेश का 44-45% था, आज यह बढ़कर के, मैंने कल ही SLBC की बैठक ली थी लखनऊ में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब ये लगभग 60% के आसपास पहुंचने जा रहा है। यानी 44-45% से बढ़कर के 60% तक पहुंचना, और हमने लक्ष्य दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए इसको 65% तक पहुंचाना है। लेकिन उतनी तेजी के साथ यह भी साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स भरने वालों को, ITR का जो रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या भी बड़ी है। 2014 में केवल 1,45,000 लोग यूपी के अंदर इनकम टैक्स का रिटर्न भरते थे, और आज ये संख्या 12,00,000 से ऊपर पहुंच चुकी है, और ये होना भी चाहिए, हमारा राष्ट्रीय कार्य है। अगर टैक्स पेयर से हमने पैसा लिया है तो पैसा ईमानदारी के साथ सरकार के खजाने में जाना चाहिए, और सरकार भी उसको और सरलीकरण करने का कार्य कर रही है, जिससे एक टैक्स पेयर को भी सुविधा हो और साथ साथ हम लोग, जो पैसा सरकार का है, क्योंकि यही पैसा जब टैक्स के रूप में कलेक्ट होता है, चाहे वह इनकम टैक्स के रूप में हो, चाहे वह GST के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में जो भी पैसा आएगा, यही देश के विकास में आगे बढ़ पाएगा और देश की इकोनॉमी को या ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और हम सबको इस दिशा में पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, बेहतरीन समन्वय के माध्यम से, संवाद बना करके इन कार्यक्रमों को अगर हम आगे बढ़ा पाएंगे तो तेजी के साथ यह देश दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 देश के प्रत्येक नागरिक को एक लक्ष्य के रूप में दिया है। यह देश